पिछले कुछ समय में हमारा काफी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का फोकस रहा है कि जो हमारे मंदिर हैं या बाकी हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उस पे जो सुरक्षा है उस पे हम लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई गलत गतिविधि करने वाला जो लोग हैं उन पे हम सख्त निगरानी रख सके। इसके अंदर अभी हमने एक तरीके से सब पुलिस स्टेशन को ये डायरेक्शंस भी दी हैं कि वो पुलिस स्टेशन में जाके प्रॉपर रोज रात में एक स्पेशल चेकिंग किया करेंगे सब मंदिर और रिलीजियस प्लेसेस का, और जो भी वहां पे सस्पेक्ट लगता है उसको हम क्वेश्चनिंग करेंगे और लीगल एक्शन जहां लेने की जरूरत है वहां लीगल एक्शन भी लेंगे। इसके अलावा पीसीआर की पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग, बीट स्टाफ की पेट्रोलिंग, ये भी सब हम इसमें बढ़ा रहे हैं और इन सब का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। जिसके अंदर हम थोड़े समय से एक चोर की तलाश में थे जो इसने मांद्रे पुलिस स्टेशन के एरिया में कुछ वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके अंदर की ऐसी हमारे पास कंप्लेंट्स आई थी कि मंदिर के अंदर जाके वो दान पेटी को तोड़ के चोरी करना और कई बार भगवान के जो जेवर होते हैं उसको भी निकाल के जाना। तो इस सब के अंदर एक हमें मेजर सफलता मिली जिसमें हमने एक अरेस्ट किया है एक एक्यूज्ड को जिसका नाम है विनोद रामा पाटेकर। ये रहने वाला है मदला मज मांद्रे का। इसको हमने ओरोस सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से अरेस्ट किया है और इसके पास से हमें चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। अभी इसने जो हमें इनिशियल इंटरोगेशन में बताया है उसने ये बताया है कि वो दो जो मंदिरों का उसने जिक्र किया है मांद्रे के अंदर जहाँ पे उसने ये चोरियां की थी, एक आजूबा टेम्पल है केरी में और एक हनुमान टेम्पल है मदला मच मांद्रे में। ये दोनों चोरियों का उसने अभी हमारे से डिस्क्लोजर किया है और इसके अंदर हमें काफी एक स्पेसिफिक और क्लियर सीसीटीवी फुटेज भी मिला था जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसी के मिलते जुलते ढील ढोल का आदमी ये चोरियां अंजाम करते हुए दिखाई देता है, जबकि इसने पूरी कोशिश की थी अपने फेस को और बाकी चीजों को हेलमेट पहन के कवर करने की, लेकिन मांद्रे पुलिस स्टेशन ने काफी अच्छे इसमें काम किया और उन लोगों ने आगे पीछे के सीसीटीवी फुटेजेस देखी, उसके बाद काफी ज्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया गया, सारे सस्पेक्ट्स को राउंड अप किया गया जो इस तरीके की गतिविधियों में ज्यादातर शामिल हुए हैं, जिनका पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और इन सब चीजों की वजह से हम लोग इस केस को सक्सेसफुली क्रैक कर पाए हैं और हमारी उम्मीद है कि इससे जो कुछ समय से वहां के स्थानीय लोगों की शिकायत चल रही थी कि मंदिर के एरियाज के अंदर थोड़ी चोरियां हो रही हैं और उस सब पे अब एक रुकावट होगी। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों पे ही फोकस रहता है, इसमें प्रिवेंशन में हम रेगुलर पेट्रोलिंग अपनी मेंटेन करके रखेंगे और कभी जब ऐसी गतिविधियां हो जाएगी तो उसको हम तुरंत से तुरंत वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं और हमें इसमें एक अच्छी महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पिछले हफ्ते एक आपकी जानकारी के लिए एक और चीज यहां बताना महत्वपूर्ण है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के पर्याप्त पुलिस स्टेशन के अंदर एसडीपीओ लेवल पे पीआई लेवल पे तमाम मेजर टेंपल कमेटी के मेंबर्स के साथ भी एक काफी डिटेल्ड मीटिंग की गई और उनको सुझाव दिए गए कि किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जो उनको लगता था कि पुलिस की उनको जहां जहां मदद जरूरत है वहां हम उनको वो पूरी पर्याप्त मदद दे रहे हैं और जो उनके सुझाव हैं उस पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। सर जो लोकल थे देखिए पुलिस कॉन्स्टेंटली हम लोगों का ये एक रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी मंदिर के कमिटीज हैं या फिर ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है या जिसके भी थ्रू उनका मैनेजमेंट हो रहा है वो सीसीटीवी कैमरास लगाएं, क्योंकि इसके अंदर काफी मदद रहती है
किसी क्राइम को डिटेक्ट करने में भी, प्रिवेंट करने में भी, और जब उन मंदिरों के अंदर बड़े अरेंजमेंट्स होते हैं, जब भारी मात्राओं के अंदर भक्त या श्रद्धालु आते हैं, तो वहां पे क्राउड मैनेजमेंट के अंदर भी उसकी मदद हमें मिलती है। सर एक्यूज है वो लोकल है या एक्यूज इज अ लोकल ऑफ मांद्रे पुलिस स्टेशन। सर आपने जो कहा ना कि नाइट प्लेसेस होंगे वहां पर पुलिस राउंड लेंगे और फिर अगर कोई सस्पिशियस दिखा तो उससे इंक्वायरी भी होगी, तो ये रेगुलर बेस पे होगा? बिल्कुल ये रेगुलर रहेगा, ये टेम्परेरी नहीं है, ये इसको हमने एक पूरे एक प्रॉपर एक इसका सिस्टम बना के इसको लागू कर दिया गया है। हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक सेपरेट रजिस्टर रखा गया है जिसके अंदर सिर्फ जो उनके एरिया के अंदर इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सबके नाम हैं और कब उनका इंस्पेक्शन किया जा रहा है वो सबकी एक प्रॉपर रिपोर्ट रखी जाएगी पीआई के द्वारा। देखिए इसमें जो इसने अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में बताया है उसने ये बताया है कि इसके ऊपर कुछ लाख का कर्ज था और वो कर्ज से परेशान होके इसने सोचा कि ये इसे चोरी करके कुछ पैसे कमा लेगा और उस तरीके से जो इसका मेन मोटिवेशन था वो अपना एक पैसे कमाने का एक शॉर्टकट तरीका ढूंढने का था, तो वो उसने ये कर दी इसी रीजन से इसने ये गतिविधि की और उसके दौरान अब वो पकड़ा गया। इसके पास से अभी हमें 30,000 रुपये और एक मंदिर से उसने भगवान की आंखें चोरी की थी जो ज्वेलरी फॉर्म में थी वो हमने रिकवर की। चोरी कैसे करता था वो, यानी क्या लेके? नहीं उसके अंदर क्योंकि नॉर्मल मंदिर के अंदर साधारण ताला रहता है तो वो ताला तोड़ के उसको वो चोरी करता है। वेपन की ज्वेलरी अराउंड 20,000 रुपीज उस ज्वेलरी की कॉस्ट है और जो कैश है मैं वो 30,000 रुपए करीब बरामद हुआ।